बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, हमने कहा था कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रह गया है। वो है कि आपने रिकनसाइल अगर करना हो फिजिकल इन्वेंट्री के बैलेंस को एज पर बुक्स, होता वाला क्या है? ये हमें भी पता है कि एक फिजिकली स्टॉक पड़ा हुआ है और दूसरा हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि बुक्स तो चलती है रसीदों के हिसाब से, इनवाइस मिलती है रिकॉर्ड हो जाता है, और फिजिकली जो स्टॉक पड़ा होता है वो चलता है गिन के। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फिजिकली स्टॉक और जो बुक्स का स्टॉक है आपस में मैच नहीं कर रहा होता। फिर किया ये जाता है कि फिजिकली स्टॉक को और बुक्स के रिकॉर्ड को फाइंड करके किसी एक के अंदर जो चीजें नहीं होनी चाहिए उनको एडजस्ट कर दिया जाता है और वो बैलेंस दूसरे के बराबर आ जाता है। उसे हम कहते हैं रिकनसाइल कर लेना। अब रिकनसाइल करना कैसे होता है? सपोज मैं आपसे कहता हूं कि फिजिकली जो जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना वो हमने अगर काउंट कर लिया, हो सकता है उसमें कुछ स्टॉक हमारा हो ही ना, किसी कस्टमर ने पैसे दे दिया हो, रसीद बनवा गया हो, वैसे हमारे पास रख के चला गया। ऐसा हो सकता है कि हमने स्टॉक मंगवा लिया हो लेकिन उसकी रसीद अभी ना मिली हो, तो बुक्स में लिखा होता कुछ और, फिजिकली पड़ा होता कुछ और। तो इसकी रिकनसाइल करने को हम क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन। फिजिकली एड इनवाइसेस या एज पर बुक्स या एज पर परपेचुअल सिस्टम। तो फिजिकली हमेशा पीरियोडिक सिस्टम होता है और परपेचुअल सिस्टम के तहत के तो समझो वो रसीदों से देख देख कर एंट्रियां पास हुई हुई है, तो हो सकता है कि बैलेंस आपस में बराबर ना आए, तो हम चेक कर लेते हैं। दूसरा वो कहता है कि आल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी, आल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एज ऑन 31 मई 2012। यानी हमारी डेट तो आ गई 31 मई 2012, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 15 नंबर का आया हुआ है 2012 में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईकैप की बुक के अंदर है, तो आईकैप अपनी बुक को तो फॉलो करता है, तो आईकैप अपनी बुक के हिसाब से कोई ना कोई चीज आपसे पूछ लिया करेगा। लो मेरे भाई, आ जाए जरा हम चेक कर लेते हैं अपना सवाल। मेहनती लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट वी, टू केमिकल बी एंड जी आर यूज इन द रेशियो 60-40 फॉर प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ वी। ML फॉलो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब कि रसीदें, एंड यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन द परचेज एंड इश्यू ऑफ बी एंड जी आर एस फॉलो। ये मई के महीने का लिखा हुआ है, आपके पास ये रिसीट कॉलम है कि इतने हम खरीदे और इतने हमने इश्यू कर दिए, फिर इतने खरीदे और इतने हमने इश्यू फॉर प्रोडक्शन कर दिए, डेट भी बताई हुई है। कहते हैं फर्दर ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास बी की पड़ी हुई है 1000 लीटर 50 रुपए के हिसाब से, और जी की जो इन्वेंट्री है वो पड़ी हुई है 500 लीटर 115 के हिसाब से, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया। तो इससे हम वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो कर लेंगे, मतलब एक वेटेड एवरेज के जरिए ना, आपको पता है हम वो रिसीट पेमेंट को प्लस माइनस करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर। वो कहता है फिजिकली इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी, फिजिकली गिना तो 535 लीटर है और दूसरे का 140 लीटर है। किस दिन गिना? द स्टॉक चेक वॉज कंडक्टेड ऑन 1 जून एंड 31 मई फॉर बी एंड जी। एक को 1 जून को गिना, एक को 31 मई को, बस एक दिन का ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब जरा हम चेक करते हैं क्या हमारा रसीदों के हिसाब से भी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। आए जरा, 1000 लीटर ओपनिंग था, 1000 लीटर ओपनिंग था बी का, 1000 लीटर ओपनिंग था, और जो हमने बी का खरीदा, खरीदना प्लस कर देंगे और इशू माइनस कर देंगे, और बिल्कुल ऐसे ही खरीदना प्लस कर देंगे और बेचना या इशू करना माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्चुअल में फिजिकली स्टॉक और इनवाइसेस के हिसाब से स्टॉक बराबर है या नहीं। नीचे देख लिए, कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगी। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी एंड 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक।
कहता है ये तो हमने स्टॉक में लिखा ही नहीं हुआ, और उसकी एनआरवी कितनी है? एक की 20 है और एक की 50 है। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी एंड 105 लीटर ऑफ जी एक्सक्लूडेड है स्टॉक में, तो हम ऐड कर देते हैं। क्या फिजिकली ये मौजूद है या नहीं? कहता है भाई स्टॉक के अंदर काउंट ही नहीं किया, तो अब काउंट कर लेते हैं, अब हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वो कहता है 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून। कहता है 250 लीटर ऑफ बी जिसको आपने रिसीव किया था 1 जून 2012 एंड 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड ऑन 31 मई 2012 आफ्टर फिजिकली काउंट वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंट्री। कहते हैं हमने काउंटिंग कर ली थी उसके बाद इनका पता चला। इसका मतलब है ये जो फिजिकली आपने काउंट किया होगा ये उसके अंदर शामिल नहीं हुआ, तो अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। फिर वो लिखता है कि 150 लीटर ऑफ बी वार हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कहता है 150 हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ फिजिकली लेकिन वो कस्टमर का है, तो वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं। फिर वेयर एज 150 लीटर ऑफ केमिकल जी वर हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ ML। कहता है 100 लीटर हमारा किसी और जगह पड़ा हुआ है, 150 लीटर हमारा हमारे पास पड़ा हुआ कस्टमर का, ये निकाल देंगे, और हमारा हमारे पास नहीं किसी सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, वो भी तो हमारा ही स्टॉक है, तो उसको ऐड कर लेंगे क्योंकि फिजिकली तो वो काउंट नहीं हुआ होगा ना। आगे चलते हैं। 100 लीटर ऑफ बी एंड 200 लीटर ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन। से रिटर्न हो गया प्रोडक्शन से, मतलब प्रोडक्शन से वापस हमारे पास आ गया, स्टोर में आ गया, वापस ऐड हो गया एक तरह का। कहते हैं 100 लीटर ऑफ बी एंड 200 लीटर ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक आया 31 मई को, एक आया 1 जून को। हमारी डेट कौन सी है? 31 मई, तो जून वाला तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जो 1 जून को वापस आया ना वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डेट 31 मई है और 1 जून वाले वो हम से रिटर्न है। 200 लीटर ऑफ केमिकल बी वर रिकॉर्डेड ऑन 12 मई। रिकॉर्डेड वो कहते हैं परचेज किया था 240 लीटर और मई को, एंड 150 लीटर ऑफ केमिकल जी परचेज ऑन 24 मई वर रिकॉर्डेड ऑन 420 लीटर एंड 250 लीटर। मतलब ये गलती आपने की थी इनवाइस के अंदर, रिकॉर्ड करने में गलती की है, काउंट करने में नहीं। काउंट तो आपने फिजिकली देखना है ना कि जितने पड़े हुए वही काउंट करोगे ना, लेकिन जब इनवाइस लिखी था ना वो गलत लिखी थी। ठीक होगी बात, अब बातें हो गई। ये जो दो चीजें हैं ये तो हम ठीक करेंगे इनवाइस के अंदर, क्योंकि ये चीजें हैं इनवाइस की, एक से रिटर्न है और दूसरी गलत रिकॉर्ड किया। दूसरी जो चीज है ना, ये जैसे ये आप लोगों को फिजिकली चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई तो ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टार्ट करें। रिकंसिलिएशन अगर हम रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले या तो आप ऐसा करो कि आप ले लो इनवाइस वाला स्टॉक ले लो, उसके अंदर चीजें एडजस्ट कर दो, या आप फिजिकली वाला स्टॉक ले लो उसके अंदर चीजें एडजस्ट कर लो। अब जाहिर सी बात है फिजिकली स्टॉक हमारे पास मौजूद है, इनवाइस वाला हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसमें सब चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड से जो मर्जी ले लो। ठीक है, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, वो तो फिजिकली काउंट किया था बी का और जी का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बी और यहां पर लिख लेते हैं जी। स्टॉक लीटर में है तो यहां पर लिख लेते हैं लीटर, और रुपीज ना लिख देना भाई, क्वांटिटी है। एज पर फिजिकली रिकॉर्ड, अमाउंट में भी हो सकता है, एज पर फिजिकल रिकॉर्ड। बी का हमारे पास है 535 लीटर और इसका है 140 लीटर।
अब आते हैं जनाब, ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 लीटर ऑफ बी एंड 105 लीटर ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टॉक। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन था, वो हमने स्टॉक में नहीं लिखा हुआ, तो लिख लेते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। किसका कितना है? 95 ऑफ बी इसमें ऐड कर दिया और 105 ऑफ जी वो इसके अंदर ऐड कर। ओके होगी बात। नेक्स्ट, 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून 2012, मतलब जो 1 जून 2012 को रिसीव किया था, एंड 50 लीटर ऑफ सॉरी 95 लीटर ऑफ जी विच वॉज इशूड, जिसको हमने इशू कर दिया था, मतलब हमने इशू कर दिया था लेकिन फिजिकली काउंट के दौरान ऐसे समझा था जैसे इशू नहीं किया हुआ। मतलब वो कहता है कि फिजिकल गुड वर इंक्लूड इन द फिजिकल इन्वेंट्री, कहता है जब हमने काउंट किया तो वो फिजिकली इन्वेंट्री के अंदर मौजूद था, हालांकि हम तो उसको इशू कर चुके थे, यानी उसको एक तरह की रसीद उसकी लिख दी थी कि अच्छा जी इसको इशू कर देना है, लेकिन वो उसको काउंट करते वक्त वो शामिल हो गए। ठीक होगी बात। तो आप मुझे बताएं इसका क्या करेंगे? जी मेरे भाई बताओ क्या करेंगे? और जहरी सी बात है, आपने इशू किए हैं तो माइनस करेंगे ना। कहते हैं 250 लीटर बी का जिसको रिसीव किया था 1 जून, कल इशू नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि वो हुआ ये कि विच वॉज रिसीव्ड ऑन सॉरी आफ्टर द फिजिकल काउंट वॉज इंक्लूडेड इन द फिजिकल, कहता है काउंट करने के बाद पता चला, काउंट करने के बाद पता चला कि ये भी इशू किए हुए हैं, तो कर दो इशू फिर। हाँ जी, कितना आ रहा है इशूड बिफोर फिजिकल काउंट, तो बी का कितना है? 250 बी इशू हो चुके थे तो माइनस कर दो, और 95 जी। आगे चलते, कहते हैं 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वाज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बिहाफ ऑफ कस्टमर कितना है? 150, ये तो हमारा स्टॉक है ही नहीं, माइनस कर दो। और जो हमारा सप्लायर के पास पड़ा हुआ है सप्लायर प्रेमसेस, वो कितना है? वो तो हमारा स्टॉक है ना, वो हम ऐड कर लेंगे। लो मेरे भाई, बाकी क्योंकि शेयर रिटर्न की और रिकॉर्डिंग की गलती है, क्योंकि शेयर रिटर्न हमारे पास फिजिकली तो आ चुकी है ना, फिजिकल तो काउंट हो चुकी है, जिस दिन हमने रिकॉर्ड किया है उस दिन है, और ये परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न में जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो इसका काउंट करें कि एज पर बुक्स कितना होना चाहिए, एज पर बुक्स या इनवाइस हमारे पास कितने लीटर बी के होने चाहिए? 535 माइनस 95 सॉरी प्लस 95 माइनस 250 माइनस 150, कितना आंसर आ गया? 230। और 140 प्लस 105 माइनस 95 प्लस 100, ये कितना हो गया? 250। लो मेरे भाई, आपका जो आंसर आना चाहिए ना, और जो फिजिकली क्वांटिटी है एज पर बुक्स, वो बी का आना चाहिए 250, और जी का आना चाहिए सॉरी 230, और उसका आना चाहिए 250। अब चेक करके देख लेते हैं, अगर सिर्फ करना होता ना फिजिकली तो हम सिर्फ प्लस माइनस करके चेक कर लेते, लेकिन क्योंकि हमने सवाल भी करना है तो क्वेश्चन भी उधर ही हो जाएगा और काम भी हो जाएगा साथ। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो कर दो, निकालो जरा अपने अपने कैलकुलेटर, अपने अपने कैलकुलेटर निकालो जरा और चेक करते हैं। और यहां पर ही मैं लिख देता हूं कि बी का क्या रिकॉर्ड है। आपके पास बी के शुरू में कितने पड़े थे? बी के पड़े थे यहां पर 1000, बी के कितने पड़े थे? 1000। कितने और खरीदे? 420 और 500, और कितने माइनस हो गए? 560, 300, 250 जो इशू कर दिए 500, और एक गलत रिकॉर्ड भी हुए हैं। एक जाओ जा बी में देखो क्या गलत रिकॉर्ड किया है,
वो कहता है 250 लीटर ऑफ बी परचेज्ड ऑन दिस रिकॉर्डेड एज 420, 240 लीटर ऑफ केमिकल बी परचेज्ड ऑन दिस एंड 150 ऑफ जी परचेज्ड ऑन दिस वर रिकॉर्डेड एज 420। ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए या कम रिकॉर्ड कर दिए? 240 माइनस 420, 180। ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए या कम रिकॉर्ड किए? ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए तो वो भी माइनस कर दें। चेक करो जरा, और एक सेल रिटर्न वो उसकी 1 जून की है, हमने 31 मई को देखना है, हमने 31 मई तक के रिकॉर्ड देखने हैं। जरा चेक करो जरा, 1000 प्लस 420 प्लस 500 माइनस 560 माइनस 300 माइनस 250 माइनस 500 माइनस 180। जी मेरे भाई कितना आ गया, कितना आ गया? 130। हाँ जी कितना आ गया? हाँ जी। अच्छा ये जो 100 है ना, ये बी का ही है, ये जो रिटर्न है ना 100, ये बी की है, ये 200 जी की है, तो ये वापस हमारे स्टॉक में ऐड होगी। 100 भी ऐड करो क्योंकि स्टोर से वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आई ना, तो 130 आपका पहले आ गया था और 100 और ऐड कर दो तो ये 230 आ गया, ये रिकनसाइल हो गया। हमने फिजिकली को चेक किया, उसमें जो चीजें एडजस्ट की वो भी 230 आ रहा था, ये भी 230 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमने तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, तो इसलिए फिर उसको उसी फॉर्मेट में ही हल कर देते हैं। और जरा मैंने आपको वेटेड एवरेज का तरीका बताया था, एक शॉर्टकट, मतलब सारे कॉलम ना बनाओ, एक ही कॉलम के साथ चल जाता है काम। हाँ जी, हमारे पास आ जाएगा डेट, रेट और अमाउंट आ जाएगी, और साथ यूनिट भी लिख लेते हैं, ठीक होगी बात। अब सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट हैं बी को चेक कर लेते हैं पहले, 1000, और किस रेट पे? 50 रुपए के हिसाब से। 1000 50 रुपए के हिसाब से कितनी अमाउंट हो जाएगी? 50,000। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि ये कब चेंज कर सकते हैं, जब भी कोई नई परचेज या परचेज रिटर्न होगी तो रेट चेंज होगा, वरना रेट चेंज नहीं होगा। जब कोई परचेज या परचेज रिटर्न होगी तो रेट चेंज होगा, वरना आपने रेट चेंज नहीं करना। ये वेटेड एवरेज में होता है, फाइफो में नहीं। अब आए जरा, सबसे पहले तो बताएं कि आपके पास जो इशू की डेट है, पहले 5-5 तारीख को इशू की, 560 आपने 560 यूनिट इशू किए, किस रेट पे जाएंगे? जो लेटेस्ट रेट चल रहा होगा। अमाउंट बता दें, 560 मल्टीप्लाइड बाय 50, 28,000। चलते जाओ, रुकना नहीं है जब तक परचेज या परचेज रिटर्न आ जाए। फिर 300 इशू किए, 300, वही रेट इस्तेमाल करेंगे जो चल रहा है, 15,000। उसके बाद मेरे भाई परचेज आ गई, तो समझो परचेज के बाद लाइन लगानी है, 420, नाम भी बड़ा खतरनाक है, 420 परचेज किए, किस रेट पे? 52 के हिसाब से। 420 मल्टीप्लाइड बाय 52, 21840। उसके बाद अब लाइन लगाओ, अब लाइन लगानी बनती है। इसके साथ आओ जरा, 1000 पहले था, 560 गया, 300 और गया, 420 फिर आ गया, 560 यूनिट आपके पास, और 50,000 माइनस 28,000 माइनस 15,000 प्लस 21848840 21840, ठीक होगी बात। ये हमारे पास आ गया 2884840।
जीरो डिवाइडेड बाय 560, हमारे पास आ गया 51.5। ओके होगी बात। फिर वही आगे चलते हैं, फिर हमारे पास आ गया इशू, कितने 250। इशू करेंगे किस रेट पे, 51.5। ये तो पता है ना भाई, 250 से मल्टीप्लाई किया 1287, सॉरी सेल की तो बात तो लाइन लगाते ही नहीं है ना, ये कब लाइन लगाते हैं, जब कोई नई परचेज करे। आओ जरा, 250 के बाद 500 खरीदे 55 के हिसाब से, 500 खरीदे 55 के हिसाब से, कितनी अमाउंट आएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 55, 27,500। लाइन लगाओ, 560 माइनस 250 प्लस 500, 810, और रेट क्या आ गया, 2,88,40, 2,88,40 माइनस 1,28,75 प्लस 2,75,00, 43,465 डिवाइडेड बाय 810, क्या रेट आ गया, 53.7। ओके की बात। फिर आपने 500 के इशू किए, फिर आपने 500 के इशू किए, माइनस कर देंगे, किस रेट पे माइनस करेंगे, सेम रेट पे, अमाउंट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 500 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 53.7, 26,850। हाँ जी, एक हमारे पास ना वो रिटर्न टू प्रोडक्शन भी हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी वापस आए, और याद रखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कैसे वापस आते हैं, बताओ जरा कौन सा रेट लगता है। हाँ जी बताओ जरा कौन सा रेट लगता है, जाहिर सी बात है से रिटर्न की तरह ही समझोगे, 100 वापस स्टॉक में एड बैक हो गया, क्योंकि तो प्रोडक्शन से स्टोर डिपार्टमेंट में आ रहा है, और रेट हमेशा इस पे भी 53 पॉइंट, ये परचेज रिटर्न नहीं है, ये परचेज रिटर्न नहीं है, 53 वापस स्टॉक में एड बैक हो गया। एक हमने गलती भी की हुई है, वो कौन सी गलती है, कि वो जो हमने 420 को 240 लिखा हुआ है, या 240 को 420 लिखा हुआ है, जो 180 ज्यादा लिखे थे ना, अब ये नहीं पता किस रेट वाले ज्यादा लिख बैठे हैं, क्योंकि ये परचेज रिकॉर्ड गलत की है, ये एवरेज रेट पे नहीं लेंगे, ये कोई परचेज लेंगे, या 55 वाले ले लो, या ऊपर जो 52 पे खरीदे थे, जो मर्जी लेट कर लो, लेकिन परचेज का रेट कोई लेट करना। आई क्या आपने जो अपनी किताब में लेट किया हुआ ना, वो 52 वाली परचेज है, जो इससे पहले की थी, 52 वाली थी 53 वाली थी। हाँ जी ऊपर परचेज चेक करना कौन सी है, 52 वाली। आई क्या आपने 52 वाली परचेज कंसीडर की हुई है, आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन लेना परचेज का रेट है, ये ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया गलती से। आओ जरा वैल्यू देखो, 180 मल्टीप्लाई बाय 52, आप लोग कोई 50, ये 55 वाला भी रेट ले सकते थे, कोई मसला ही नहीं है। लो जी सवाल आपका कंप्लीट हो गया, 810 में से माइनस किया 500, प्लस किया 100, माइनस किया 180, 230 आ गया ना बराबर यूनिट। उसके बाद 43465 प्लस 26850 प्लस 537 माइनस 9360 कितना आ गया, 22373 डिवाइडेड बाय 230 कितना आ गया, 97.97 तो नहीं आएगा, एक मिनट वैल्यू देख लेना जरा, 43। ओ माजरा तो भाई अल्लाह आलियो, इसको माइनस करना है, 43465 माइनस 26850 प्लस 537 माइनस 9360 कितनी अमाउंट आ रही है, 7792, 7792 डिवाइडेड बाय 230। ये यार क्या कर रहे वो,
4 3 4 6 5, ये मोड आ गया ना, प्लस माइनस 2 6 8 5 0, प्लस 5 3 7, माइनस 9 3, ये 9 3 6 0 ही आ रहा है ना, दोबारा चेक कर ले, ये दोबारा चेक कीजिएगा जरा, ये 9 3 6 0 ही आ रहा है, ये कोई और वैल्यू आ रही है ना, ये तो ठीक है। एक मिनट, कौन सी वैल्यू में गड़बड़ आ रही है इसमें, ये गलत लिखा हुआ है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 53.7, तो 5 3 7 0। चलिए जनाब, 4 3 4 6 5 माइनस 2 6 8 5 0 प्लस 5 3 7 0 माइनस 9 3 6 0, 12,665, 625 डिवाइड बाय 230, कितनी वैल्यू आएगी, 54.9। अब एक बात दोबारा जाकर देखें कि आपके ना एक सवाल के अंदर बी की कुछ एनआरवी भी है, कहता है जो 95 लीटर है उसकी एनआरवी 20 रुपए है, तो हम तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी भी नहीं लेते, इसका मतलब है एक स्टॉक ऐसा है इसके अंदर, यहां पर मैं आपको ये बी पूरा हल कर रहा हूं, उसने क्लोजिंग स्टॉक पूछा है ना, हम लिखेंगे यहां पर लीटर, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट, यहां पर लिखेंगे एनआरवी, और यहां पर लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी या क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास टोटल 230 लीटर है जिसमें 95 तो डैमेज है, तो डैमेज अलग कर लें और गुड अलग कर लें, टोटल ये 230 है, दोनों की कॉस्ट पर यूनिट है 54.9 54.9, जो गुड यूनिट होते हैं ना उसकी एनआरवी हमेशा ज्यादा होती है, जो गुड यूनिट होते हैं, इसकी एनआरवी 20 है, हमने लेना था लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो जो गुड यूनिट है उसकी एनआरवी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसकी कॉस्ट ही कम होगी, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 54.9 कितना आंसर आ गया, 7411.5, और 95 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से 19, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, प्लस 7411.5, तो ये वैल्यू आ गई जनाब 9312। ये हमारा पूरा सवाल हल हो गया, रिकनसाइल पहले ही हो गया था 230 से, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा फाइंड हुआ, लेकिन ये सिर्फ किसका फाइंड हुआ है, ये सिर्फ बी का फाइंड हुआ है, जी का भी बिल्कुल ऐसे ही है, और जरा जी का भी मैं आपको फाइंड करके दे देता हूं, अगर जनरल एंट्री कहता तो जनरल एंट्री भी ऐसे ही पास कर देते, परचेज की फिर सेल की, सेल की वैल्यू ना गिवन हो तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री पास कर देते हैं। लो मेरे भाई, इसका ओपनिंग स्टॉक था 140 और उसकी जो परचेज रिटर्न 200 है ना, वो 1 जून को ही है, वो रिकॉर्ड नहीं करनी आपने, बाकी जो गलती हुई है वो जो 150 की जगह कितना लिखा है वो सही करेंगे, 150 की जगह 250, वो जो 100 लीटर ज्यादा लिख रही है ना वो हम लिखेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, आपके पास लीटर है, आपके पास रेट है और आपके पास अमाउंट है, कितने लीटर साल के शुरू में पड़े हैं, 500 ब्रॉड ऑन, किस हिसाब से, 115 के हिसाब से, रेट बता दो कितना आ गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 115, 5 7 5 00, उसके बाद है मेरे भाई आपने 450 खरीदे, 450 110 के हिसाब से परचेज, 450 110 के हिसाब से, और आपको पता है जब जब परचेज करोगे आपने इसको क्लोज जरूर करना होता है, क्योंकि एवरेज रेट चाहिए होता है, मल्टीप्लाइड बाय 110, 49 500। अच्छा, कैलकुलेशन में गलती बर्दाश्त कर लिए करो, क्योंकि आपको पता है ये टाइम 10 बज रहे हैं रात के, तो सारा दिन थकावट की वजह से ना रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 950, 57500 प्लस 49, 57500 प्लस 49500, 107000 डिवाइडेड बाय 950, 112.6, ओके की बात। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं,
इशू किए, कितने इशू किए, एक दफा 650, एक दफा 300। 650 भी इसी रेट पे जाएंगे 112.6, और 350 भी 600 और 300, और 300 भी इसी रेट पे जाएंगे 112.6। ये तो पूरे ना सेल हो गए, 650 मल्टीप्लाई बाय 112.6, 73190, और फिर 300 मल्टीप्लाई बाय 112.6, ये कितना आ जाएगा 33780। ये वैसे पूरा हो जाना चाहिए 73190। ये तकरीबन 30 रुपए का फर्क आ रहा है वो राउंड ऑफ की वजह से, जिसकी वजह से ये वो थोड़ा सा बैलेंस बच रहा है, वरना ये खत्म हो गए, क्योंकि 950 सारे यूनिट बिके हैं। फिर उसके बाद आपने खरीदे 700, 115 के हिसाब से, 700 115 के हिसाब से। अब है ही यही, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है क्या, 80500। इस टाइम आपके पास 700 यूनिट पड़े हुए हैं 115 के हिसाब से, वो उसके अंदर ही एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वो 30 का कॉमन सेंस ही बात है कि कोई पिछला यूनिट तो बचा ही नहीं है कोई। फिर 150 इशू किए, 150 इशू किए, इसी रेट पे इशू करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 115, 17250। उसके बाद 250 124 के हिसाब से खरीदे, 250 124 के हिसाब से खरीदे, तो 250 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, 250 मल्टीप्लाई बाय 124, 31,000। क्लोज करेंगे 700 में से 150 माइनस करके 250 प्लस कर देंगे 800, 80500 में से माइनस कर देंगे 17250, प्लस कर देंगे 31,000, 94250, डिवाइड कर देंगे 800, 117.8। उसके बाद 450 इशू कर दिया, किस रेट पे इशू करेंगे 117.8 पे, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 117.8, 5053010। और वो 100 जो हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, 150 की बजाय 250 रिकॉर्ड कर दिया था, ऐसा ही था ना, वो भी माइनस कर दें, उसका रेट कौन सा लेंगे आप? 115 वाला भी ले सकते हो क्योंकि वो भी अवेलेबल है, और 124 वाला भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, अज्यूम ही करना है। तो आई कैप के हिसाब से जाना है तो 124 वाला उसने लिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा 12,400, ये माइनस करें। लो मेरे भाई, सवाल आपका हो गया, 800 में से 450 माइनस किया और 100 भी माइनस किया, आ गया 250, वो फिजिकल के साथ आपका मैनेज भी हो गया। 94250 माइनस 53010 प्लस 12,400, 53640 डिवाइडेड बाय 250, रेट आ गया 214 है, 214 किधर है, 124। एक मिनट भैया, 94250 माइनस 53010 प्लस 12400, 53640 डिवाइड बाय 250, 214 रेट आ रहा है। नहीं यार, 214 तो नहीं आना चाहिए, क्या गलती हो गई फिर से? आपके 800 यूनिट पड़े हुए हैं 94, उसके बाद 450 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, 450 यूनिट सेल कर दिए, तो 53010 ठीक है, 100 यूनिट्स ये माइनस करने हैं ना, ये तो निकाल दिए थे, यानी ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए तो माइनस करने थे। 94250 माइनस 53010 माइनस 12400, कितनी वैल्यू आ गई,
अच्छा ये चीजें ना आप में भी हो जानी चाहिए कि रेट एवरेज ही आना है तो उसी रेट्स के दरमियान ही कोई आएगा, 117 और 124 के दरमियान, ठीक है? लो मेरे भाई, अब इसका भी कोई एनआरवी वाला केस था, जाकर देखो इसका भी कोई एनआरवी पे चीज थी। ये देखिए जरा, कंटामिनेशन में 105, इसके 105 लीटर है, तो यहां पर आप लिखेंगे लीटर, यहां पर लिखेंगे उसकी कॉस्ट, एनआरवी और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी या क्लोजिंग स्टॉक। 105 को अलग कर दो और बाकी कितना बच गया, 250 माइनस 105, 145। इसकी कॉस्ट है 115.4, इसकी कॉस्ट भी है 115.4। 105 यूनिट की एनआरवी कितनी है, 105 यूनिट की एनआरवी है 50, और इसकी एनआरवी तो अच्छी होगी क्योंकि जाहिर सी बात है गुड स्टॉक है। तो 105 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, वो आ जाएगा 5250, और 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 115.4 से, वो आ जाएगा 16733। टोटल यूनिट्स हो गया 250 और वैल्यू होगी प्लस 5250, 21983। लो मेरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, रिकंसिलिएशन भी आपकी हो गई। ये रिकंसिलिएशन की टेंशन नहीं लेनी, जब भी वो आपको लगे ना कि ये फिजिकली स्टॉक हमारा है तो ऐड कर दो, और अगर हमारा नहीं है तो निकाल दो। थोड़ा सा डेट का भी ख्याल रख, ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सी एक एडजस्टमेंट या ठीक है जो बाकी, ये आप पहले ये ओके हो गया आपका। एक और सवाल इसका जनरल एंट्रीज का रहता था हमारा शायद, और इसके जो लेजर्स बनाने हैं ना वो एक लेक्चर बस एक दफा सुन लेना, लेजर कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज आपको याद है बस उसमें पोस्ट करनी है, ठीक है? मैं आपको कल कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में कवर करवा दूं, और छोटा छोटा लेक्चर रखते हैं ताकि वही चीज आपको समझ लग जाए। तो आपने ना कुछ ऐसा समझो कि 20-20 मिनट के दो लेक्चर मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सर्विस कॉस्ट लाजमी करके जाना है, ऐसे 5-1 नंबर का सवाल आ सकता है, और दूसरा लेजर को एक दफा देख लेना बस, चाहे 10 मिनट के अंदर 2 की स्पीड में लाकर वो एक दफा देख लेना, क्योंकि वो आपको आता है। लेकिन अगर ना देख के गए ना तो उस प्रेशर में आ जाओगे, इसलिए वो एक एक सवाल ही चेक कर लेना अगर फुल कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।